गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर गाइड क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज बड़ा ही खास दिन है, इसलिए कि हम लोग नए वर्ष में प्रवेश किए। आज 2023 का पहला दिन है और एक पुराने वर्ष के आखिरी दिन को हम लोग छोड़ के आए हैं। तो ये दोनों दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक आखिरी दिन और एक पहला दिन। और फर्स्ट डे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि आज के दिन हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, पूरे साल की जिम्मेदारी शुरू होती है आज के दिनों से। जैसा हम लोग साल भर करेंगे वैसा ही हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा। और 31 दिसंबर जो गुजरा वो भी खास दिन था, इसलिए कि जितना चीज़ आपने किया वो सारे का रिफ्लेक्शन हमारे लास्ट मंथ में देखने को मिलता है। क्या आपने किया, कितनी मेहनत की, कितनी लगन से काम किया, वो सारा का रिफ्लेक्शन आपको देखने को रूप में मिलता है। इसलिए कह सकते हैं दोनों ही दिन हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है लाइफ में, 31 दिसंबर और 1 जनवरी। अब देखिए हम लोग बेहतर कैसे बना सकते हैं इस साल को। कोई भी साल को बेहतर बनाने का तरीका ये है कि आप साल भर पूरी मेहनत करें, तब उसका एक्चुअल में आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगा वो आपको देखने लायक होगा और आपको लगेगा साल के अंत में कि आप संतुष्ट थे इस ईयर से। मतलब अगर आपको पूरी साल को अच्छी तरह से गुजारना है, उसका अच्छा एक समरी देखना है उस साल का, तो आपको पूरी साल अच्छी तरह से मेहनत करनी होगी। तो ये है आपका मेन आपका उद्देश्य कि साल भर हम किस तरह से काम करें। अब मैं बात करता हूँ कि रिलीजियस माइंड, आप जरूर रखें रिलीजियस माइंड। गॉड में सभी को विश्वास है, गॉड हमें शक्ति देती है। आज के दिन आप मंदिर भी जाते हैं, हम लोग अपने अपने क्या बोलते हैं गॉड को याद करते हैं। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है आज। तो हम और आप गॉड के बीच में जगह कैसे बना सकते हैं, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे हो सकता है गॉड और हमारे आपके बीच में। तो रिलीजियस माइंड रखना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है रिलीजियस माइंड रखना। लेकिन कैसे गॉड के बीच हम अच्छा वर्किंग पार्टनरशिप को मेंटेन करके तो हम बना सकते हैं क्या गॉड के बीच में और अपने बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री को क्रिएट कर सकते हैं। इसके मतलब अगर हमको गॉड को खुश करना है तो सबसे पहला काम ये है कि जिस चीज़ के लिए वो हमें भेजे हैं हम लोग उसको अच्छी तरह से काम करें, पूरे साल भर लगन से काम करें, मेहनत से काम करें, तो उसमें ही गॉड खुश होते हैं। इसलिए कि जितने भी मनुष्य हैं वो सभी का अपना अपना काम है, सभी को भेजा गया किसके लिए, काम करने के लिए। हम जिस मैनेजमेंट के अंदर मान ले काम करते हैं सपोज़, वो क्या हमसे खुश कैसे रहता है, अपना काम दिखाते हैं तो वो खुश रहता है। इसी तरह से आप भी काम दिखाइए तो गॉड खुश रहे, और इसी को कहते हैं आपका रिलीजियस माइंड। ये हुआ रिलीजियस माइंड। तो आज हम लोग नए साल में प्रवेश किए हैं, आप लोग का भी ये साल बहुत ही अच्छा हो मैं मनाता हूँ, मैं कामना करता हूँ कि बहुत ही अच्छा गुजरे ये साल। और गुजरने का मैंने सारा मंत्र बता दिया है किस तरह से आप साल को अच्छा कर सकते हैं। गॉड और आपके बीच में केमिस्ट्री उस समय अच्छी होगी जब आप गॉड के साथ मिलके एक अच्छा वर्किंग पार्टनरशिप को मेंटेन करें। अगर ये काम करते हैं तब तो हमारा साल बहुत अच्छा है, एक साल अच्छा होगा, दो साल अच्छा होगा, हर एक साल अच्छा होगा। अगर हर एक साल अच्छा होगा तो अरे आपकी ज़िंदगी सफल कहलाएगी, समझ रहे हैं। तो आज एक छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हमारे लिए साल इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से ये साल को आप मेंटेन करके रह सकते हो, गॉड को किस तरह से खुश कर सकते हैं, किस तरह से आप रिलीजियस माइंड को क्या करते हैं आप मेंटेन कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। मैं फिर से आप लोग को एक बार नए साल का शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ कि आपका साल मंगलमय हो, बहुत मेहनत करें, बहुत सफल हो और सभी पे गॉड का कृपा बनी रहे।
तो चलिए आप चैनल पे बने रहें, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।